जी असलकम सोशोलॉजी एम सी क्यू रिस्क एम सी क्यू सीरीज़ का आज थर्टी फोर्थ लेक्चर है और ये इंडस्ट्री एंड सोसाइटी से रिलेटेड है तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन टेररिज्म कंसिडर्ड वर्कर एज़ सो बायोलॉजिकल मशीन जो टेलरिज्म है इसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसमें सब कुछ जो है वो प्रोडक्शन uh, को समझा जाता है प्रोडक्शन को आपने मैक्सिमम करना है और यू डोंट केयर अबाउट ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन uh, वैल्यू और वर्कर्स uh, राइट्स का कोई अमल दखल नहीं है टेलरिज्म में जिसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं और एफ़ डब्ल्यू टेलर जो थे उन्होंने इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस करवाया था इस तरह की अप्रोच क्यों इंट्रोड्यूस की जाती थी ताकि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए और जो उस टाइम की जो अपर क्लास है वो खुश हो इन राइटर्स से तो ये एक अप्रोच दी गई जिसमें कहा गया कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उनके असूल्स को मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहिए और वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर पूरी गहरी नज़र रखनी चाहिए उनको फ्रीडम नहीं देनी चाहिए और उनको बिल्कुल जो है एक आइसोलेशन में रखना चाहिए और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे इस चीज़ को हम मजीद डिस्कस भी साथ साथ करते रहेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के अपोजिट एक अप्रोच जो थी उसने भी जन्म लिया जिसको हेल्टन मायो जो कि एक ब्रिटिश फिलोसोफर या मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे उन्होंने इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस करवाया और इस अप्रोच को हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहते हैं और हमारा सेकेंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और इसमें ह्यूमन रिलेशन को इम्पोर्टेंस दी गई इस अप्रोच में और ये जो एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट थे इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस अप्रोच को इस्टेब्लिश करने के दौरान किए गए एलुमिनेशन अप्रोट जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या कहा गया उसमें यह कहा गया कि अगर जो आपका वर्क प्लेस है ये अल्टन मै जो थे उन्होंने ही ये इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि हम एल्टन मै के साथ इन एक्सपेरिमेंट्स को जोड़ते तो हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे और एक क्रेडिट उनको वैसे दिया जाता है कुछ लोग इसको बिलीव नहीं करते कि ये क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए अच्छा इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट था कि ये जो हमारा वर्क प्लेस है उसमें अगर लाइट ज़्यादा होगी ये लाइट अगर ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ये एक थ्योरी थी और इस थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म ये है ये इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा दूसरे जो वेरिएबल्स थे वो भी इसमें अमल कर रहे थे और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ज़्यादा लाइट होने की वजह से ही जो है आपका प्रोडक्शन जो थी आपकी ज़्यादा पॉसिबल हुई तो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच वाज अगेंस्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट और उसमें एक तजर्बा था जिसको हम एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सरप्लस वैल्यू इंडिकेट्स डैश ऑफ वर्कर्स सो एक्सप्लाटेशन सरप्लस वैल्यू अकॉर्डिंग टू कॉल मार्क्स क्या थी कि जो एक ऑनर है ठीक है वो अपनी चीज़ जो है वो बेचता है अब कॉस्ट से ज़्यादा जो उसकी कॉस्ट आई थी किसी चीज़ के ऊपर उससे बढ़कर वो आ, उसकी कीमत पे वो बेचता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट कमाता है उसको हम सरप्लस वैल्यू कहते हैं और वो जो अपने वर्किंग क्लास होती है उसकी उनको तो वो उस तरह से वेजेस देता नहीं तो इस तरह से उनकी तो एक्सप्लाटेशन होती है तो बी इज़ द राइट ऑप्शन कि सरप्लस वैल्यू होगी तो एक्सप्लाटेशन होगी वर्कर्स की जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इन द डैश सिस्टम अन फ्री पीजेंट्स वर्कड इन द लैंड तो ये हमारा फ्यूडल सिस्टम था जिसमें मज़दूर जो थे आ, वो फॉर्म्स पे लैंड के ऊपर काम करते थे खेती बाड़ी होती थी और वो अन फ्री होते थे स्ट्राइक इज़ अ वेपन प्रोजेस्ड बाई डैश इन एन इंडस्ट्री तो स्ट्राइक जो है वो वर्कर्स का राइट right होता है और उनका वेपन होता है जो कि वो यूज़ करते हैं जब भी उन्होंने प्रेशराइज करना होता है मैनेजर्स को या अपने मास्टर्स को ओके क्लास कॉन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस बिटवीन बोशियस एंड प्रोलीटेरियट क्लास इज़ द राइट ऑप्शन नेक्स्ट वन एज पार्ट ऑफ डैश प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कैपिटल इंटेंसिव लार्ज लार्ज स्केल प्लांट्स तो ये फैक्ट्री सिस्टम है जो हमारा फैक्ट्री सिस्टम है असम्बली लाइन होती है उसमें और वर्कर्स जो हैं दोनों साइड पे काम कर रहे होते हैं कन्वेयर बेल्ट चलता जाता है और लार्ज स्केल पॉइंट प्लांट्स होते हैं प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होती है तो ये फैक्ट्री सिस्टम में होता है जी हमारा अगला क्वेश्चन डैश इज़ एन एसोसिएशन ऑफ़ क्राफ्ट्स क्राफ्ट वर्कर्स इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी फॉर्म टू प्रोवाइड म्यूचुअल एड तो फैक्ट्रीज़ आने से पहले इंडस्ट्री आने से पहले क्या होता था कि क्राफ्ट्समैन होते थे क्राफ्ट वर्कर्स होते थे अपने अपने घर पे बैठ के वो चीज़ें बनाते थे जिस तरह हमारे बड़े सगीर में या सब कॉन्टीनेंट में जुलाहे होते हैं कपड़ा और धागा वो बनाते थे जैसे मोची हैं मोची मोचियों के ख़ानदान हैं वो जूते बनाते थे तो उनका उनकी एक एसोसिएशन होती थी यूरोप में एसोसिएशन तो वो जो उनकी एसोसिएशन थी जिस तरह से इधर भी जुलाहे जुलाहे हैं तो उनका जो ख़ानदान है वो आपस में ही उनकी मैरिजेस होती हैं मोची हैं तो उनकी आपस में ही मैरिजेस होती हैं और धोबी हैं उनकी आपस में ही मैरिजेस होती हैं इस तरह से यूरोपियन सोसाइटी में आ, उनकी आपस में मैरिजिज़स भी शादी होती हों लेकिन उनकी एसोसिएशन होती थी उसको हम गिल्ड बोलते थे टू सेव दे राइट्स और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोडक्शन जो थी वो एक स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन थी अपने अपने घर पे कोई ज़ेवरात बनाने वाला है तो एक फैमिली थी वो ए, वो अगर जेवरात बनाती थी मिसाल के तौर पर तो वही लोग बाज़ार में जाके जेवरात बेचते थे अगर कोई बर्तन बनाते थे लोहे के स्टील के या मट्टी के वो बाज़ार में जा बेचते थे तो आज भी उस तरह की फैमिलीज़ की शक्ल नज़र आती है और वो प्री इंडस्ट्रियल दौर था इंडस्ट्री के आने से पहले ओके एंटी यानी ऑपोजिट क्या है स्ट्राइक का तो लॉकआउट इज़ ऑपोजिट ऑफ स्ट्राइक स्ट्राइक जो है वो वर्कर्स का टूल है वर्कर्स यूज़ करते हैं और लॉकआउट जो है वो मास्टर्स का टूल है लॉकआउट कर देते हैं कि नहीं काम करना तो जाओ हम फैक्ट्री बंद कर देते हैं फैक्ट्री को क्लोज कर देते हैं और वर्कर्स फिर भूखे मरते हैं और फिर वर्कर्स आके कहते हैं कि हमें जनाब आप काम करने दें हम अप, अपनी तनहाओं में जो अजाफ़ा है उसको हम डिमांड नहीं करते नेक्स्ट वन विच वन इज़ नॉट अ सिस्टम ऑफ इंडस्ट्री सो पेस्टोरल सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ इंडस्ट्री ओके नेक्स्ट वन मेजर काज ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज़ सो एक्नॉमिक प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ा काज है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाने का वेजिस में अजाफा चाहते हैं मज़दूर और इसी से फिर जो है वो लड़ाइयाँ जन्म लेती हैं मेजर ऑब्स्टेकल ऑफ़ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन एलिट्रेसी है इज़ द राइट ऑप्शन एलिट्रेसी होगी ट्रेड यूनियन डेवलप नहीं हो पाएंगी और वर्कर्स जो है वो कलेक्टिव बारगेन नहीं कर पाएंगे जैसे कि नेक्स्ट एम सी क्यू है डैश इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एंड निगोसिएशन बिटवीन टू पार्टीज इसको हम क्लेक्टिव बारगेनिंग कहते हैं मिलजुल के जो बारगेन किया जाता है अपने राइट्स के लिए अपनी वेजिस के लिए उसको हम और कहते हैं कलेक्टिव बारगेनिंग ओके द नेक्स्ट वन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम इज़ मेंटेनिंग सोशल हार्मनी एंड यूनिटी सो गिल्ड सिस्टम। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पहले एक सिस्टम था गिल्ड सिस्टम वो एक हार्मनी क्रिएट करने वाला सिस्टम था ओके गिल्ड सिस्टम के बारे में आपको पहले बता दिया है जो एसोसिएशन होती थी क्राफ्टमैन की क्राफ्टमैन वो लोग जो अपने जो काम थे वो घर बैठ के ख़ुद Uh, चीज़ें बनाते थे और बेचते थे द इकोमिक सिस्टम इन योर यूरोप बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ गिल्ड सिस्टम जो था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो एग्जिस्ट करता था वो ये था डैश कंबाइंड इन्बाइंड ऑफ सर्विस बाय द वर्कर्स स्ट्राइक दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक जो वर्कर्स एक कदम उठाते हैं और काम बंद कर देते हैं उसको हम स्ट्राइक बोलते हैं डैश ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप बिटवीन पीपल ओके द नेक्स्ट वन डैश लेबर वेलफेयर इज द एफर्ट्स टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग फॉर वर्कमैन मास्टर्स लेबर वेलफेयर इज द एफर्ट इज द रशन नेक्स्ट वन टेलरिज्म एंड डैश इन कर्ज मैस प्रोडक्शन फॉर मैस मार्केट सो फोडिज़म जो फोर्डिज़म है ही इज सॉरी सी इज़ द राइट ऑप्शन ये दोनों का जो एक इन में काम बात ये है कि जो प्रोडक्शन है वो मैस होनी चाहिए और जो मार्केट है वो भी मैस होनी चाहिए बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करना टाइम स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टाइम स्टडी में क्या चीज़ स्टडी की जाती है कि कोई भी वर्क जो है कोई भी काम है एक मज़दूर कितने देर में कर सकता है तो ये जो टाइम स्टडी है ये एक इम्पॉटेंट कंपोनेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले लोग कहते हैं कि अगर आपने अपने वर्कर से काम लेना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक घंटे में वो मज़दूर जो है वो कितना काम कर सकता है एक एवरेज आपको पता होनी चाहिए ताकि कोई भी मज़दूर जो है वो आपको बेवकूफ़ ना बना सके जैसे कि कोई मज़दूर होता है उसको हम काम पे लगाते हैं वो क्या करता है कभी चाय पीने चला जाएगा कभी खाना खाने चला जाएगा कभी बैठ के आराम करना शुरू कर देगा तो जब पहले से कैलकुलेटेड होगा कि एक दिन में इतनी ब्रिक्स हैं और उनको हमने शिफ्ट करना है दूसरी जगह पे तो एक दिन में एक मज़दूर कितनी ब्रिक्स को शिफ्ट कर सकता है तो जब ये चीज़ें आपने पहले आपको स्टडीज़ कंडक्ट करवा के तो आपको पता होगा मालूम होगा तो जो मज़दूर है वो आपको धोखा नहीं दे सकेगा ओके द नेक्स्ट वन सेटल सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इज़ नाउन एज़ तो ट्रिब्यूनल जो होता है इसको एजु बोलते हैं एजुडिकेशन एक गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट हो सकता है जो कि इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करता है ओके द नेक्स्ट वन स्ट्राइक इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इंडस्ट्रियल सो डी इज़ द राइट ऑप्शन डैश इज़ नॉट अ अरेक्टरस्टिक ऑफ बरोक्रेसी सो इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स आर नॉट द पार्ट ऑफ बरोक्रेसी एंड ये जो बेरोसी की करैक्ट्रिस्टिक्स हैं उनमें से इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स जो है वो एग्जस्ट नहीं करते बल्कि फॉर्मल रिलेशन जो हैं वो डिस एग्जिस्ट करते हैं ओके द नेक्स्ट वन लॉकआउट इज़ अ वेपन यूज बाय डैश इन एन इंडस्ट्री सो मास्टर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं लॉकआउट लॉकआउट को एज एन ऑप्शन ए वेपन अगेंस्ट वर्कर्स कि जाएँ अगर आपने काम नहीं करना तो हम अपनी फैक्ट्री को ताला लगाते हैं आप जाएं अगर आपने काम नहीं करना तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर Mass production is the characteristic of 27B is the right answer Fordism Mass production, Fordism May start hui Okay The next one Dash refers to feelings of unhappiness and lack of involvement With the work and with the co-workers So alienation C is the right option Detachment from the work from the environment, from the fellows or unhappiness, jo hai, lack of involvement, isko alienation. Bolte and this concept was explained by Karl Marx. Okay, Dash was the major occupation in the feudal society. So agriculture was the major occupation in the feudal society or chaos at authority possessed by a manager in an industrial. इंडस्ट्री सॉरी इंडस्ट्री इज़ डैश काइंड ऑफ अथॉरिटी सो इसको हम रैशनल अथॉरिटी बोलते हैं जो रूल्स लॉ की वजह से किसी बंदे को अथॉरिटी ग्रांट की गई है वो रैशनल अथॉरिटी है ओके okay, आज के लिए इतना ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और uh, मैं आपको कुछ ऐसे इदारों के बारे में बताने जा रहा हूँ एंड पे जो कि पाकिस्तान में काम करते हैं वर्कर्स वेलफेयर के लिए तो ये आपको पता होना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट का इधारा है वर्कर्स वेलफेयर फंड ठीक है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इारा है और एक हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये भी वर्कर्स के लिए उनकी बेटरमेंट के लिए उनकी वेलफेयर के लिए काम करता है और इसके अलावा पैसी है पंजाब में पैसी है पंजाब एम्प्ल सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट जिस तरह से मुख्तलिफ वर्कर वेलफेयर स्कूल्स भी हैं हॉस्पिटल्स भी हैं वो सब पैसी के गेंडर हैं और इसके अलावा पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है लाहौर में इन सब बादारों को आप गूगल कर लें तो बेहतर है आ, इनके बारे में मज़द पढ़ लें तो बेहतर है आप फिर इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी या इंडस्ट्री एंड सोसाइटी है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इजाज़त दें अल्ला हाफ़